बेटा वही सीख लिया और वही यू नो समाज में भी सब यही करते हैं, अगर चीट किया तो ऐसा करो, लव मैरिज किया तो ऐसा करो, शादी हुई तो ऐसा, एक इसको रिएक्ट कहते हैं रोबोटिक, रोबोट के माफिक कंडीशन। लेकिन ध्यान में आने के बाद आप थोड़ा देखो, सबसे पहला आपका प्लस पॉइंट क्या है, क्या ने जाना कि आप रिएक्ट कर रहे हो। नहीं ये मुझे बहुत टाइम से पता है माँ, वेरी गुड, बहुत करती हूँ, बट एक टाइम के बाद ना अचानक से ऐसा हो जाता है, जैसे 10 दिन में कर रही मेडिटेशन तो मैं मुझे ऐसा फील हुआ कि हमें थोड़ी सी नॉर्मल बिहेव कर रही, बट अचानक से कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ, फिर मैं सोच रही कि वो मेरा मेडिटेशन का क्या मेरे लिए फायदा हुआ कि मैं ऐसे गलत किसी को माया बस आप गलत सोच में जा रहे हो, क्योंकि ध्यान है इंस्टेंटली मैं संत बन जाती हूँ, क्योंकि ध्यान आया इंस्टेंटली मैं गाली बोलना बंद कर दूं, क्योंकि ध्यान आया मैं इंस्टेंटली मीराबाई बन जाऊं। नहीं होता ऐसा बाबा, परशुराम भी ध्यानी था, कृष्णा भी ध्यानी था, कृष्णा ने भी महायुद्ध करवाया, हालांकि कृष्णा ने कुछ नहीं किया जो लोगों को कर, लेकिन वायलेंस तो हुआ ही ना, गर्दन तो कटी ना, इंसान तो मरे ना, तो बहुत सारी अभी वापस बोलती हूँ ध्यान को लेकर बहुत सारी धारणाएं हैं। हाँ बुद्ध का मार्ग होगा तो बुद्ध की तरह कोई आपके ऊपर कीचड़ भी डाल जाएगा तो आप चुपचाप बैठे रहो, लेकिन आप अगर बुद्ध मार्ग के नहीं हो, अघोरी हो, नाथ मार्ग के हो या कोई और मार्ग के हो, कृष्ण पंथ के हो, कुछ और हो, कुछ और हो, पिछले जन्म में आप मुस्लिम हो या इस जन्म में मुस्लिम और पीछे जैन थे, कुछ भी हो सकता है, तो पहले अपने आप को जानो। हाँ इतनी जल्दबाजी नहीं करो कि आज ही मेडिटेशन में आ गए तो आज ही सब कुछ सब हो जाना है, नो, बहुत ब्यूटीफुल सिचुएशन में आप हो माया, कि जानते हो कि मैं रिएक्ट करती हूँ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, कीप इट अप, वेरी गुड मार्क्स आज के पेपर के आपके, कि आपने एक्सेप्ट किया कि मैं रिएक्ट करती हूँ, लोगों को मुझे कहना पड़ता है थप्पड़ मार के बोलना पड़ता है, ये तेरे तू क्यों इतनी जेलस है, तू क्यों इतना ये है, वो अपनाती ही नहीं, आप तो अपना रहे हो, सो बी पेशेंट, आपके साथ पेशेंट रहो, रोज लिखो, आज लिखो, आज मैंने तय किया था फिर भी मैंने रिएक्ट किया, लिखो आज, आज की डेट, आज का टाइम, सब कुछ, वापस 10 दिन ध्यान करो वापस ही, अगर आप चाहते हो कि आप कुछ अलग तरीके से इसी सिचुएशन को हैंडल करो तो की बात, अगर आप रिएक्ट भी कर रहे हो और आप उसमें मस्त हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको लगता है कि रिएक्ट कर रही हूँ पर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रिएक्ट कर रही हूँ पर मैं और दुखी हो रही हूँ, रिएक्ट कर रही हूँ पर सिचुएशन को और बिगाड़ रही हूँ, देखो एक बात याद रख, घर में जहां हमें रहना है, जिसके साथ रहना है, उसके साथ पंगा लेकर कोई फायदा है, इज इट इंटेलिजेंस, कि जहां रहना ही है मुकम्मल है, आप आपके पास कोई चारा नहीं है, आपके पास ना दूसरा घर है, ना पैसा है, ना माँ बाप है जहां आप जा सकते हो, तो जिस घर में रहने पर आप मजबूर हो गए हाँ उन्हीं लोगों से पंगा लेकर कोई फायदा है, वहां आपको झूठ का सहारा भी लेना पड़ेगा, झूठ मूठ का हंसना, झूठ मूठ का ये करना, वो भी आपको सीखना, वो सब नॉट लीला है, अपना रोल प्ले करो, समझो चींटी के आगे और हाथी के आगे सेम रोल प्ले कर सकते हो, नहीं, हाथी के आगे आपको कुछ अलग बनना पड़ेगा, चींटी के आगे कुछ अलग बनना, तो ही स्वयं की रक्षा कर पाओगे, दूसरा प्रायोरिटी, आपके जीवन में प्रायोरिटी क्या है वो पहले देखो, मन की शांति है प्रायोरिटी, तो बहुत सारा लेट गो करना पड़ेगा, शांति गई, अभी मैं पहाड़ में हाँ आपको योद्धा बनना है, ठीक है फिर लड़ो, मैं तो कहती हूँ महाभारत युद्ध तब होता है जब भीतर तलवार उठी है पर बाहर में बुद्ध की तरह ऐसे पेड़ के नीचे बैठने का कर रही, गॉन, इसी को बोलते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी, कि भीतर कुछ और बाहर कुछ और, एक मिनट में तुम बदल जाते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं है, समझो आप, लेकिन भीतर में अभी मुझे युद्ध करना है, हाँ अभी एक लाफा मुझे देना है, पर मैं है कर रही हूँ, तो अपने आप को मैं उल्लू बना रही हूँ, चीट कर रही हूँ,
इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़ते फिरो, इसका मतलब ये है पहले अपने आप को जानो, अभी मेरी एनर्जी कैसी है, महाकाली जैसी है या सरस्वती जैसी है या वैष्णो देवी जैसी है या मैं कृष्णा बन गई हूँ। ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, तब होता है जब हमारी सब जगह से नजर हट जाएगी, तब गुरुओं से भी हट जाएगी और हमारी नजर हम पर जाएगी, हम आईने में अपने आप को ऑनेस्टली देख पाएंगे, तब जाके आपको समझ आएगी। इसलिए मैं वापस कहती हूँ बी ऑनेस्ट, प्लस पॉइंट टू यू, आज आपने ऑनेस्टली बोला है, ध्यान आप जारी रखें, बी पेशेंट अपने आप के साथ, हो जाएगा। आप आए हो सेशन में, एवरी वीक सेशन में आइए, एवरी वीक रिपोर्ट दीजिए कि हाँ ये हफ्ता में ये ऐसा ऐसा हुआ, इससे क्या होगा, आपको एग्जाम्पल की तरह लेकर दूसरी औरतों को भी आपकी तरह अपने आप पे काम करने का, सीखने का प्रोत्साहन मिलेगा। पर वापस मैं कहती हूँ, कृष्ण से भी नजर हटा लो, मावतार बाबा से भी हटा लो, सब जगह से हटा लो, खुद पर नजर डालो, कण कण में मुझे क्या फील हो रहा है, दर्द कहाँ है, सोच क्या है, एक ही सोच बार बार है क्या, अपने आप को स्टडी करो, प्रगति इसी में, वरना आप 50 जन्म लेंगे, हर बार किसी और गुरु के गुण गाओगे, हर बार इल्जाम किसी और के ऊपर, हर बार आपका ध्यान बाह्य मुखी होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। तो यू आर परफेक्ट माया जी, हाँ यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस सेशन में आई हो, अपने आप पे काम करो, नेक्स्ट वीक एटलीस्ट 7 days के 7 pages पर कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, आप चाहिए तो मेरा नंबर ले लीजिए, पर आई वॉन्ट टू वर्क आपके जैसी लेडी के साथ जो खुद पर काम करने के लिए तत्पर है और समय भी निकालने के लिए, ठीक है ना, वेरी गुड, लव यू, यस यस मैम, ध्यान करवा दीजिए, अब टाइम हो गया बहुत, म्यूजिक, यस अपर्णा जी म्यूजिक लगा दीजिए, सब लोग आंखें बंद कीजिए, 10% ऊर्जा हाथों से बाहर जाती है, तो अपने हाथों को एक कुंडली के अंदर डाल दीजिए, 10% ऊर्जा पैरों से बाहर जाती है तो पैर को क्रॉस कर लीजिए, जिन औरतों को मैंने योनि लॉक का सिखाया है वो योनि लॉक कीजिए, जिनको नहीं पता वो होस्ट को पूछ लीजिए, वो आपको मैसेज कर देंगे, आंखों में से 80% ऊर्जा बाहर जाती है तो आंखों को बंद कीजिए, जब तक मैं ना बोलो आंखें ना खोले, जब समय भी आएगा तो अपने दो हाथों को आंखों पर 5 सेकंड रख के उसके बाद ही धीरे से आपको आंखें खोलनी है। आंखें बंद और आपका ध्यान होगा आपकी सांसों के ऊपर, नाक के नीचे चल रही है, अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस, ध्यान सिर्फ उसके ऊपर ही।
याद रखिए, हमें विजन्स के परे जाना है, अनुभूतियों के भी परे जाना है, हमें शून्य होने की अनुभूति करनी है। क्या होने तक जो कुछ भी होता है उसको सिर्फ साक्षी भाव से देखना है, एनालाइज नहीं करना है, पर लिखते रहिए ताकि भविष्य में आपको उसका जवाब मिल जाए। शरीर धारण किया है तो पहले हमें संपूर्ण औरत बनना है। संपूर्ण औरत कैसे बनेंगे? जितने भी देवियों के स्वरूप हैं उन सबको स्टडी करो। माँ काली क्या करती है, अंबा माँ क्या करती है, वैष्णव देवी क्या करती है, ये सब हमारे भीतर है। These are just टीम एनर्जी डेटा अलग अलग, तो ये सब डेटा को, ये सब हमारे स्वरूपों को हमें जानना है। संपूर्ण औरत होना हमें अनुभूति में लाना है। तो ये औरतें पुरुष जैसी हो गई है, और कौन कहता है ध्यान से नहीं होगा? ध्यान से बीमारियां जाती है, डॉक्टर के खर्चे बढ़ जाते हैं, दोष में आते हैं, सावधान हो जाते हैं। और होश में आने का मतलब है अब कोई हमें उल्लू नहीं बना सकता। होश में आने का मतलब है पहले से ज्यादा ताकतवर। होश में आने का मतलब है रिएक्ट नहीं, अब रिस्पॉन्ड। होश में आने का मतलब है पहले जिस सिचुएशन को हम हंसते हंसते इंटेलिजेंटली हैंडल नहीं कर सकते थे उसको अब हम हैंडल कर सकते हैं। तब तक क्यों बने रहेंगे? कॉर्पोरेटर बनना है, फिर एमएलए बनना, फिर मिनिस्टर बनना, फिर प्राइम मिनिस्टर बनना, बैठे रहेंगे एक ही सीट पर क्या? औरत के लिए बहुत जरूरी है, पूरा वक्त किचन में बैठे नहीं रहना है। अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस में जितना बोल रही हूं वो ध्यान होगा तो ही आपकी अनुभूति में होगा। पुरुष से भी ज्यादा ताकत है औरत में। बहुत हुआ अब रोना धोना, अब इंटेलिजेंट बनना है, लॉजिकल बनना है, खुद को संभालना है, बच्चों को, परिवार को भी संभालना है। एक ही तो जीवन है, हंसते हुए गुजारेंगे नहीं क्या हम? प्लीज बी विथ योर ब्रेथ। अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस, ध्यान सिर्फ उसके ऊपर ही। बजने में से 5 मिनट बाकी है, आखिरी 5 मिनट कृपया करके आंखें बंद रखें।
एक मिनट। बैठना चाहे वो बैठ सकता है। अगली सेशन खत्म हो जाए, अगर अच्छी अवस्था में हो तो कृपया करके आंख ना खोले। बाकी अपर्णा यू कैन रैप अप द सेशन, 4 बज चुके हैं। सबको मैसेज में मेरा मोबाइल नंबर दे दीजिए, किसी को भी पर्सनली कुछ पूछना है जी जी पूछ सकते हैं अभी डाल दें। अपना यू कैन आल्सो स्टार्ट अ सिस्टम वेयर यू इनवाइट द क्वेश्चंस बिफोर हैंड। श्योर श्योर, शुड आई स्टॉप द म्यूजिक मैम? अवस्था अच्छी है, आंखें ना खोले कृपया करके प्लीज बैठे रहें। किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं जो उठा है, वरना प्लीज बैठे रहें। नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे, मेरा मोबाइल नंबर है, हफ्ते में बीच में कुछ काम हो तो। और कृपया करके आगे से थोड़ा प्रश्न अपर्णा को दे दीजिएगा ताकि हम फटाफट उसको एक घंटे में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम गाइडेंस हम दे सकते हैं। आपको आज रानू नहीं है अपना? नहीं मां, शी इज आउट ऑफ टाउन। शी इज आउट ऑफ टाउन मां। एनीबॉडी हैज क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड। मां मुझे एक बात पूछनी है। मैं आप अपना नाम बताइए प्लीज। रेखा 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 बोल। हां मां, आई विल हाईलाइट हर। मां मेरे शास्त्र आगे और आगे चक्कर में वाइब्रेशन भी बहुत होती है, पेन भी बहुत होता है। दिस इज वेरी गुड न्यूज़, एंजॉय करो इस। देखो नो, याद रखो नो पेन नो गेन, इस तरह से मैं बोल रही हूँ कि ध्यान से आपका पावर बढ़ रहा है, शक्ति बढ़ रही है, अवेकनिंग हो रहा है। तो वो तो हमारी बहत्तर हजार जो नाड़ियां हैं, हमारे जो मसल्स हैं, सबके ऊपर असर करेगा। आप फिजिकली जो भी कर सकते हो उसको रिलैक्स करने के लिए कीजिए, लेकिन प्रोसेस को चलने दीजिए। थोड़ा भी ये संकल्प मत लीजिएगा या इंटेंट मत करिए कि ये बंद हो जाए। वेरी गुड साइंस। मैंने तो ऐसे ऐसे दिन गुजारे जब चार चार पांच पांच दिन तक इतना थ्रॉबिंग हेडेक हुआ है, लेकिन जितना मैं आराम कर सकती हूँ, जो भी मैं कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। हाँ, अवेकनिंग भी चाहिए और पेन भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ये मैं अभी से आपको बता दे रही हूँ। तो यू जस्ट लर्न हाउ टू हैंडल द पेन। ओके मां, और अवेयरनेस तो आ गई है मां, बहुत कुछ अवेयरनेस में आने लगी, समझ भी आने लगा जिससे आपसे बात हुई है, और बेस्ट लगता है। तो जीने का मजा आ रहा है ना? बिल्कुल मां, अब आनंद में अब ये पता चला है कि जीना किसको कहते हैं, रियल में पता चला है। थैंक यू मां, थैंक यू, थैंक यू, लव यू बच्चा, लव यू। और कोई है? एंड यू टेक केयर एंड गेट वेल सून। आपका जल्दी से हीलिंग हो जाए।
It was a great session. The energies, okay. I could feel it instantly. Yes. Wonderful then. Bye everybody. Namaste. आपके कोई भी प्रश्न हो मेरे फोन नंबर ले लीजिए अपर्णा के पास से, है ना जी? मैं चैट में डाल दूंगी ना. I have two numbers of yours. No, only one because WhatsApp 444 वाले पर ही. अच्छा, I'll do that now itself and then write up. अभी डाल देती हूँ. थैंक यू मैम. धन्यवाद. नमस्कार मैम. नमस्ते मैम. ममता जी, ममता जी ध्यान में है. ममता जी, माँ का नंबर डाल देते. हाँ, डाल दीजिए. एक सेकेंड, फिर उसके बाद अपन क्लोज कर देते हैं ना. ठीक है, आप डाल दीजिए. जिसके भी कोई क्वेश्चन है माँ से पर्सनल बात कर सकता है. ममता जी, मेरा एक सवाल था. हाँ, माने कहा कि योनि लॉक करना कैसे करते हैं? योनि जब हम आलती पालती मार के बैठते हैं ना, तो जो एड़ी होती है ना अपनी, उसको योनि के सामने लगा लेते हैं, मतलब हल्का सा प्रेस करके. अच्छा, मैंने माँ का नंबर शेयर कर रही हूँ, आप ले लीजिए. नहीं तो ममता जी के पास तो होगा ही वे नंबर, तो आप उनसे ले सकते हैं ये वाला नंबर ममता जी. और माँ का कहना था हम प्रश्न थोड़े पहले से लेके रखे, तो फिर बाद में किसी का कोई भी क्वेश्चन हो या तो अपर्णा जी को या मेरे को मैसेज कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब सैटरडे को मेडिटेशन होगा तो उसमें वो क्वेश्चन रख सकते हैं. और माँ के नंबर भी आपको दे दिए हैं, तो आप माँ से भी बात कर सकते हैं डायरेक्ट. और सभी को थैंक यू सो मच. अब कंक्लूड करते हैं मीटिंग को. बाय बाय ऑल ऑफ यू. रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड. नमस्ते सभी को. नमस्ते 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 ममता जी, अपर्णा जी. नमस्ते सावित्री जी. बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सावित्री जी, थैंक यू सो मच. चलिए अपर्णा जी, आज मेरे को करना होगा ना. भूल जी.